क्या आपने अपनी साला के छात्रों का क्लास और रिजल्ट अपडेट कर चुके हैं? फॉर्मेट बने भरते समय कहीं आपने एक छोटी सी त्रुटि तो नहीं कर दी? जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि शिक्षा पोर्टल में कैसे हम फॉर्मेट बन ए को सही तरीके से भरें। मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवी जी ने बताया कि फॉर्मेट बन ए भरते समय शिक्षक एक जगह सबसे अधिक त्रुटि करते हैं, जिसके कारण न केवल शिक्षक अभी तो अन्य शिक्षक साथी भी वर्ष भर परेशान होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके निर्देशन में कैसे हम फॉर्मेट 1A सही तरीके से भरें। देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। फॉर्मेट 1A फिल करने के लिए इसे आप एम शिक्षा मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, साथ ही आप इसे किसी भी ब्राउजर में शिक्षा पोर्टल को ओपन करके भी कर सकते हैं। एम शिक्षा मित्र से फॉर्मेट 1A कैसे फिल करना है, इसके लिए एक वीडियो बनाया गया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अभी फॉर्मेट 1A फिल करने के लिए हम ब्राउजर की सहायता से फॉर्मेट 1A फिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करके इसके एड्रेस बार में आपको टाइप करना है shikshaportal.mp.gov.in। इतना टाइप करने के बाद में हम शिक्षा पोर्टल के होम पेज में आ जाएंगे। अब यहां से हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट, इसके चेक बॉक्स पर हमें टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका मोबाइल का स्क्रीन एकदम डेस्कटॉप के स्क्रीन के जैसे दिखने लगा है। आप मोबाइल को ऑटो रोटेट मोड पर भी कर सकते हैं, जिससे लैंडस्केप मोड पर आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं और सारे ऑप्शन आपको काफी अच्छे से दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड, इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद में हमें लॉगिन पर क्लिक करना है, तो हम डिटेल फिल कर देते हैं। लॉगिन करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B, इस ऑप्शन से हमें उन छात्रों की मैपिंग करना है जो हमारी शाला में न्यू एडमिट हुए हैं, मतलब नवीन प्रवेशित सभी छात्रों की मैपिंग हमें फॉर्मेट 1B वाले ऑप्शन से करना है, चाहे वो किसी भी कक्षा में क्यों ना एडमिट हुआ हो। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1B, अब इस ऑप्शन से हमें अपनी शाला के सभी छात्रों का रिजल्ट अपडेट और क्लास अपडेट करना है। शिक्षक यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि कर देते हैं, तो हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कहाँ पर त्रुटि होती है। साथ ही हम वीडियो में आगे देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है TC मैनेजमेंट, तो इस ऑप्शन का यूज हम कब करें, तो इसे हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी हम देखते हैं फॉर्मेट 1A कैसे फिल करते हैं, तो क्लिक करते हैं फॉर्मेट 1A पर। फॉर्मेट 1A पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। यहां पर साला का नाम आ जाएगा, साला का डाइस कोड और स्कूल का टाइप भी आ जाएगा कि स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, किस टाइप का स्कूल है, वो डिटेल यहां पर आ जाएगी। साथ ही यहां पर क्लास अपडेट करने के लिए ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में एकेडमिक ईयर, तो हम एकेडमिक ईयर चूज कर लेते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद में प्रीवियस क्लास, तो हम हायर क्लास की एक क्लास अपडेट करके देखते हैं, क्लास 5th। फिर इसके बाद में जेंडर और कैटेगरी, यदि आपको जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज लिस्ट देखना है तो ही आप इन ऑप्शन को क्लिक करें, अन्यथा आप सीधे 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्लास हमने सेलेक्ट किए थे उस क्लास के सारे बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्योंकि प्राथमिक शाला है इसलिए इसकी हायर क्लास हमने कक्षा 5 सेलेक्ट किए थे, और वो इसलिए क्योंकि शिक्षक यहाँ पर अक्सर त्रुटि कर देते हैं। शिक्षक अक्सर हायर क्लास, जो भी हायर क्लास रहती है, उस कक्षा के छात्रों का क्लास अपडेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि माध्यमिक शाला के शिक्षक उनकी कक्षा अपडेट करेंगे, लेकिन प्राथमिक शाला के शिक्षक को क्लास अपडेट करना अनिवार्य है, तभी छात्र की मैपिंग नवीन शाला में हो पाएगी।
तो यहाँ पर कैसे हम इनका क्लास और रिजल्ट अपडेट करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पर पास, हायर क्लास है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक अदर स्टेटस में आ गया है स्कूल का। फिर इसके बाद में छात्र का हमें परसेंटेज फिल करना है, फिर सेकंड छात्र, इसका परसेंटेज, फिर तीसरा छात्र, इसका परसेंटेज। अब आप देखेंगे कि हमने इनका परसेंटेज फिल कर दिया है और इनका स्कूल का स्टेटस भी अदर हो चुका है। आप सभी कक्षाओं के क्लास अपडेट और रिजल्ट अपडेट इसी तरीके से करेंगे, केवल अन्य कक्षाओं में 1 से 4 तक यहाँ पर सेम स्कूल रहेगा। अब इसके बाद में हमें कैप्चा फिल कर देना है और इसके बाद में सिंपली यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक मैसेज शो हो गया है, रिक्वेस्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, मतलब 2020-21 के लिए हमारे द्वारा जो डेटा अपडेट किया गया है वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। अब हमें यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर शिक्षकों के एक प्रश्न अक्सर आते हैं कि हमारे द्वारा छात्रों की जानकारी अपडेट करने के बाद भी छात्रों के नाम हमारी स्कूल की आईडी में शो हो रहे हैं, तो स्कूल की आईडी में छात्रों के नाम शो होंगे लेकिन केवल तब तक नाम शो होंगे जब तक कि नवीन साला के शिक्षक के द्वारा इन छात्रों की मैपिंग ना कर ली जाए। जैसे ही नवीन साला में इनकी मैपिंग होगी यहाँ से इन छात्रों के नाम हट जाएंगे। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट ए को सही तरीके से भर सकते हैं। अब बात करते हैं टीसी मैनेजमेंट की। इस पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन हमारे सामने शो होगा, रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल एडमिशन ऑब्लिक इशू टीसी ऑफ ए स्टूडेंट। इस ऑप्शन का उपयोग हमें केवल तब करना है जबकि किसी स्टूडेंट का डेटा हमारे साला में अपडेट है, उसकी मैपिंग भी हमारी साला में है, किंतु वो छात्र अब किसी अन्य साला में अध्ययन करना चाह रहा है, तब ऐसी कंडीशन में हमें छात्र को उसकी टीसी इशू करना होगा, उसकी टीसी देना होगा, साथ ही इस ऑप्शन से उसे अपनी साला से अनमैप भी करना होगा ताकि छात्र नए साला में आसानी से मैप हो जाए। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।